जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल के ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक जंगल की सैर कराने ले जा रहा हूं, जहां पर एक शेरनी है जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इनको अलग अलग अवतारों में देखते हैं, लेकिन अब ये शेरनी बनकर आ गई है सब पर हमला करने। और इस शेरनी को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो हैं अमित मसूरकर। न्यूटन इन्होंने बनाई थी, लेकिन अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है शेरनी। और ऑफकोर्स शेरनी है खूबसूरत विद्या बालन। तो विद्या, आप हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज करती हैं। व्हेनेवर आई डू योर इंटरव्यू देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज। सो आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर इन द फर्स्ट लॉकडाउन हमारी बात हुई थी, और अब नया लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, आप शेरनी बनकर आ गई हैं। आप किस पर कर रही हैं हमला? पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि फिलहाल शेरनी दो अमित के बीच फंसी हुई है। हमला तो नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली शायद हमला होने से बचा रही हूँ। किसको क्या वो मैं बता नहीं सकती, वो आपको 18 जून को पता चल जाएगा जब आप फिल्म Amazon Prime पर देखेंगे। पर शेरनी एक हर कोई कहता है कि ये बहुत अलग फिल्म है, पर हर मायने से शेरनी एक अलग फिल्म है। ये जंगल में, ये स्टोरी जो है जंगल में बेस्ड है, और मैं फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ। जो सही काम सही तरीके से करने की कोशिश कर रही है, विद्या विंसेंट है किरदार का नाम। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अमित प्लीज से समथिंग। मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं फिल्म के ज्यादा के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता रही। जी, तो अमित ये बताएं कि आपके पिछले में न्यूटन में एक्चुअली वी रियली फेल्ट अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ जंगल। सो जंगल ऑलवेज हैज बीन अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, हॉलीवुड हो, हमारी हिंदी फिल्मों में भी जंगल पे बहुत फिल्में बनी हैं, बट इस जंगल में एक थॉट है जो मैंने ऑब्जर्व किया, सिंस यू ऑलवेज मेक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। सो व्हाट इज दैट थॉट इन द जंगल? द थॉट इज बेसिकली द कोर ऑफ द फिल्म इज अबाउट द फैक्ट दैट हम इंसान नेचर से अलग नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर। सो दैट इज द कोर थॉट, एंड द फैक्ट दैट वी हैव टू ऑल कम टुगेदर, यू नो, इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब, इट इज अ जॉब दैट नीड्स टू बी डन बाय ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू, लाइक यू नो, इन द फिल्म शी इज सपोज टू यू नो सेव अ टाइग्रेस, सो इट डजंट जस्ट स्टॉप एट सेविंग वन टाइग्रेस, यू हैव टू सेव to save the tigress, it's not just that one tigress, but she has to save the entire jungle in a way, you know. So it's that thought, that's the big philosophy with which we approached it. So Vidya, I'm sure shooting in the jungle must be fun, aur pandemic ke dauran aapne kafi ehtiyat barte honge, to kuch mazedar lamhe shooting ke dauran, any fun quirky moments with you being around, I'm sure you must be keeping everybody in laugh, and aapka jaisa nature hai to jungle mein bhi aapne ek bar hansi hui hogi, sab janwar aapke fan ho gaye honge, I'm sure. काश कि ऐसा होता, पर हाँ, जंगल में हम ज्यादा शोर शराबा नहीं मचा सकते थे, तो मेरी मस्ती थोड़ी कम थी इस फिल्म पर, फिल्म सेट पर बहुत मजा आया। एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे ऐसा लगता था कि अरे दिन खत्म हो गया, क्योंकि इतने सुकून के साथ हमने काम किया, और एमपी टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से हम शूटिंग कंप्लीट कर पाए इवन आफ्टर द पैंडेमिक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हमने एक शेड्यूल शूट किया था, एंड इट ऑल वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। पर यही था कि एक दूसरे को के साथ हम थोड़ी बहुत मस्ती फिर भी कर लेते थे। अमित तो काम कर ही रहे थे लगातार, पर हम एक्टर्स को बीच में वक्त मिलता तो मैंने प्लास्टिक का सांप आर्ट डिपार्टमेंट से ले लिया था और विजेंदर काला जी पे डाल दिया। ओह गॉड, उनको लगा कि सही में वो सांप है, बिकॉज वी वर इन द जंगल, नो, किसी को नहीं लगता था कि प्लास्टिक का सांप कोई डालेगा, तो सबके ऐसे मजेदार रिएक्शन मिलते थे हमें। But this was, but what was real fun was actually
यू नो उस माहौल में काम करना, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि आपको यू नो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गांव वालों के साथ बैठ गए तो उनकी जानकारी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मजेदार चीजें बताते रहते थे, उनको इतनी समझ है अबाउट द सीजंस, अबाउट एनिमल बिहेवियर, अबाउट हर्ब्स, मैं तो एकदम दंग रह जाती थी। जी जी, कहते हैं असली इंडिया हमारा गांव में बसता है। तो अमित, बैकड्रॉप किस फिल्म का बहुत जरूरी होता है, एक फिल्म जब होती है वो हमारे दिल में बस जाती है, उसके बैकड्रॉप, उसके द होल द पिक्चर्स, तो इसमें किस तरह का जो होल जंगल का जो आपने पूरा डिजाइनिंग किया है, थोड़ा बताएं कैसे थे वो, कौन सी जगह के जंगल थे, एनी एक्सपीरियंस, आई मीन यू आप डायरेक्टर हैं तो मतलब कुछ, हम तो पर्दे पर पूरी फिल्म देखेंगे लेकिन पर्दे के पीछे एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द जंगल, बिकॉज़ जंगल में बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये जंगल जो है ये बालाघाट में है, शहर के पास ही, मध्य प्रदेश में, और इंसिडेंट्स मतलब आई थिंक जंगल में जब आप शूट करते हो तो आपको एक फाइनाइट टाइम होता है, उसी में आपको करना होता है शूट, क्योंकि नहीं तो फिर सूरज ढल जाता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो आपको उसी 8-10 घंटे में आपको शूटिंग करना होता है। और इसीलिए क्या होता था कि आप सही टाइम पे शूट करना होता है, लाइक दोपहर में जब सूरज एकदम ऊपर है तब नहीं आप कर सकते हो, तो ऐसे इस वजह से हमारा शूटिंग टाइम जो था वो एकदम लिमिटेड था, तो और इस वजह से हम रिहर्सल्स करते थे और जब सही समय हो जाता था तब फटाफट शूटिंग करते थे और हैंडहेल्ड कर रहे थे। सारा जो आपने देखा इसमें पूरा हैंडहेल्ड है और लाइट्स नहीं यूज किए हैं जंगल में, तो इस वजह से आई थिंक जनरली जो माहौल था वो काफी पॉजिटिव था, क्योंकि सारे लोग जो थे वो इन्वॉल्व, खुद को इन्वॉल्व महसूस करते थे इसमें, और कैमरा कहीं पे भी हिल सकता था तो इसलिए लोग भी सतर्क थे, वो मतलब उनको पता था, इन्वॉल्व थे, उनको पता था कि क्या हो रहा है, तो इस वजह से मैंने नोटिस किया कि सारा क्रू भी था जो वो काफी कॉन्शियस था इस बारे में कि हम जंगल में शूट कर रहे हैं, और उनको भी पेड़ पौधे या जानवरों की तरफ प्यार प्रेम था, तो इस वजह से सबके मतलब मन जो थे सारे ऑलमोस्ट दे वर ऑल अलाइन, तो मजा आ गया क्योंकि ऐसे लोग मिले जो हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे रहते हैं, तो एक अच्छा सा एक कम्युनिटी हो गई थी हमारी वहां पे। I'm sure ये जंगल भी फन होगा, लेकिन विद्या और अमित दोनों से ही जंगल एक ऐसा थीम है जो बचपन से बच्चे बूढ़े और जवान सबको यू नो बहुत आकर्षित करता है, इतनी फिल्में बच्चों की जंगल पे बनी है। आई जस्ट वांट टू नो व्हिच फिल्म्स ऑफ जंगल कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ जंगल फॉरेस्ट, यू नो राइट फ्रॉम किड्स टू एडल्ट, सो मेनी फिल्में हैं जंगल में, अगर बच्चों के लिए अगर हमारा हाथी मेरा साथी है, रियो, सो मेनी फिल्म, तो बड़ों के लिए टारजन, जंगल लव जैसी फिल्में हैं, तो विद्या कौन सी फिल्में याद आती हैं? जंगल बुक। Okay. It still remains one of my favoriteest films. Did you remember the song, the famous song? जी जी बिल्कुल। तो आप भी खूबसूरत आवाज में भी सुनना चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, please मुझसे गवारी का मत। मुझे गवारी का मत। पर जी। I yeah. The 90s. You mean jungle jungle बात चली है पता चला? Yes yes yeah yeah. Really? Oh my God. Amit please. साथ दो ना अमित, साथ दीजिए प्लीज। थैंक यू, मुझे माफ कीजिए। जंगल जंगल बात चली है पता चला। मैं बहुत बुरा गाती हूँ, प्लीज। आप अगर बुरा गाती है तो फिर क्या बोलेंगे भाई, इतनी अच्छी आपकी आवाज है, देश को आप मंत्रमुग्ध कर देती है अपनी आवाज से। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल के नाते। गुलजार साहब के का लिखा हुआ ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं हर बार हंस पड़ती हूँ, और मैं जब मैं खुद गाती हूँ तो मैं हंसती हूँ। इसके अलावा कौन सी अमित आपको कौन सी याद आती है फिल्में, एज अ चाइल्ड, एज अ यूथ, यू नो बहुत सारी फिल्में मैंने कहा हर दशक में बनी है ये जंगल पे फिल्में। नहीं, जंगल बुक सही कहा, क्योंकि हम सब तभी स्कूल में थे जब जंगल बुक आता था और बैठ के वो देखते थे, तो वो है, और ऑब्वियसली ये जो सारे स्टोरीज होती थी बचपन में जो सुनते थे, पंचतंत्रा या एनिमल टेल्स वगैरह होते थे, तो इनका मुझे ज्यादा मेमोरीज है नो जंगल को रिलेटेड। फिल्म जैसे हाथी मेरे साथी है, लेकिन
एक डिफरेंस है जो जंगल वाली फिल्में जो पहले थी उसमें और इसमें, क्योंकि मोस्टली जो जंगल वाली फिल्में होती हैं उसमें एनिमल को आप जब देखते हो तो उसको एक ऐसे देखते हो कि वो कोई थ्रेट है आपके, यू नो, कि ये जंगल जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ मिस्टीरियस कुछ हो रहा है या कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है. इसमें हम जंगल को उस नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहे. इसमें हम जंगल को या फिर एनिमल्स को ओपननेस से देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं. तो जंगल का जो ये हमने जो समाज जो हमने जिस तरीके से शूट किया है उसमें वी बीन वेरी कॉन्शियस कि जंगल शुड नॉट अपीयर टू बी लाइक, इसको ओरिएंटलिस्ट नज़र बोलते हैं, लाइक जैसे यूरोपियंस जब देखते हैं इंडिया के जंगल्स को तो एक नज़रिए से देखते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ह्यूमन मैन जो है वो जंगल के ऊपर राज करता है या ये इसका हक है. हमने उस नज़र से नहीं देखा, हमने इसको बहुत ही एक पोस्ट कॉलोनियल नज़र से देखा है, तो एक फेमिनिस्ट नज़र से देखा है, तो उस नज़र से हमने जंगल को देखा है. विद्या, जब आप मैं अब आजकल जैसे कहावत हो गई है कि जब विद्या होती है फिल्म में तो वही हीरो होती है, तो आई मस्ट गिव यू द क्रेडिट कि आपने हीरोइंस के लिए एक काफ़ी कुछ, यू नो, यू वर वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस हु वर इंस्ट्रूमेंटल कि दैट द रोल्स आर मेंट विद आर रिटन विद यू इन माइंड. तो जब आप कोई रोल लेती हैं, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द थिंग्स यू लुक एंड देन यू से यस और नो टू एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज राइट नाउ आई मीन द फिल्म जब बनती है तो ऐसा लगता है कि बस विद्या के अलावा यू कांट इमेजिन एनीबडी एल्स, सो समवेयर आई थिंक उसमें आपका सिलेक्शन में, क्रिएशन में बहुत बड़ा हाथ है. तो व्हाट इज योर थॉट व्हेन यू टेक अप एनी प्रोजेक्ट, एनी रोल, एंड यू एक्चुअली वर्क एंड लिव दैट रोल? आई हैव सीन यू ओवर द इयर्स. फर्स्टली थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ लवली कॉम्प्लीमेंट. पर जब मैं कोई कहानी सुनती हूँ तो अगर तुरंत अंदर से आवाज आती है कि हाँ, तभी मैं फिल्म करती हूँ. इट्स रियली माय डिसीजंस आर वेरी इंस्टिंक्टिव. और फिर मैं, यू नो, इनवेरिएबली उन्हीं फिल्मों के लिए हामी भरती हूँ जो मैं बतौर ऑडियंस देखना पसंद करती हूँ. क्योंकि जैसे मैं हॉरर अभी तक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं हॉरर नहीं देख पाती. मोंजुलिका वो तो हॉरर कॉमेडी था ना. सो एंड यू कैन, सो आई ओनली डू फिल्म्स दैट आई फील आई कैन वॉच, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस हूँ. बतौर ऑडियंस अगर मुझे अच्छी लगेगी तो फिर शायद लोग दूसरों को भी अच्छी लग सकती है. एंड या देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायरेक्टर जिनके साथ मुझे काम करना है, क्योंकि हम बहुत क्लोजली काम करते हैं. उनका विजन अगर मुझे फॉलो करना है तो आई हैव टू हैव अ ग्रेट ट्यूनिंग विद द डायरेक्टर एंड फाइनली द प्रोड्यूसर. यस, ऑल इन ऑल अ गुड टीम मेक्स यू अ लीड, makes the whole project very interesting. So all the best to both of you, Amit and Vidya. We're looking forward for a really rocking collaboration this time with Cheney. All the best and keep on rocking. Thank you, Amit. Thank you and stay safe.